भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ तहलका हो और नाम पावर स्टार पवन सिंह का ना जुड़े उससे ये कभी नहीं हो सकता। खुद अपने विवादों को लेकर पावर स्टार पवन सिंह सिर पर हाथ रख लेते हैं, लेकिन खैर हम आपको उनसे जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं कि अभी आपने आज ही देखा होगा कि खेसारी लाल यादव का बोंदो तीन दिन, जी हाँ 2.0 रिलीज हुआ है और खेसारी की जगह चर्चा पवन सिंह की हो रही है। अब आप ये कहेंगे क्यों? तो अब भाई अगर आप सोशल मीडिया पर नज़रें गड़ा कर बैठे हैं तो हम आपको बता दें कि ज़्यादातर कमेंट उसमें इस तरह के आ रहे हैं कि खेसारी के जो गाने चल रहे हैं वो पवन सिंह की बदौलत है। पवन सिंह के गानों पर खेसारी लाल यादव के गाने का ऐड लगाया जा रहा है, जिससे पवन सिंह के फैंस का सीना 56 इंच का हो गया है। क्योंकि कुछ रोज़ पहले जब लाल घाघरा रिलीज़ हुआ था तब खेसारी लाल यादव के फैंस ने ये दावा किया था कि पावर स्टार पवन सिंह का जो ये गाना चला है सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव की बदौलत चला है। और अब जब खेसारी लाल यादव के तीनों चीज़, यानी कि उनका मोशन पोस्टर, उनका गाने का ट्रीज़र और उनका गाना बोंदो तीन दिन की बात हम कर रहे हैं, तो ये तीनों जो ट्रेंडिंग में है इसका जो कामयाबी का सहरा बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के ऊपर बन रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह का ये गाना जल्द ही 50 मिलियन पहुंच गया है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे सारेगामा की और पब्लिसिटी हुई है और इस कारण भी खेसारी का गाना लाइमलाइट में आया है। सारेगामा ने पावर स्टार पवन सिंह की लोकप्रियता के चलते ही ये गाने को इतने जल्दी रिलीज़ किया कि खेसारी का गाना चल जाए, क्योंकि इन दिनों खेसारी का गाना नहीं चल रहा। अब इन सारे विवादों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।